बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। तमाम मेरे दोस्त भाइयों का क्या हाल चाल है। मैं थोड़ा अपना दोस्त डॉक्टर शुएब, तो अज की वीडियो बनाने का मेरा मकसद अपने भाइयों को दो चीज़ा शेयर करनी ने, जिमें कि कार्बोलिक एसिड और बोरिक एसिड। हमारी फील्ड में, वेटनरी की फील्ड में, जानवरों में इनका इस्तेमाल कैसे होता है और हम ये जो है दोनों चीज़ें किस किस जगह पर दोनों एसिड इस्तेमाल कर सकते हैं। और सबसे पहले हम बात करेंगे कार्बोलिक एसिड के बारे में। ये कार्बोलिक एसिड जो है ये आमतौर पर हमें जो है वो हार्ड किस्म में मिलता है, ये डब्बी में, जैसे कि ये मैं आपको दिखा रहा हूँ। कार्बोलिक एसिड हम यूज़ करते हैं ज़ख्मों में। जानवर पर किसी किस्म का ज़ख्म हो, कोई कट लगा हो, तो जो भाई हजरात जो हैं वो महंगी चीज़ नहीं यूज़ कर सकते, ये उनके लिए है कि ये मार्केट में सस्ता मिलता है। ये 40 ग्राम होता है और इसकी जो प्राइस है वो तकरीबन 60 है। तो इसका तरीका इस्तेमाल किया है कि इसको हमने नीम गर्म पानी में लेके भो लेना, ताकि ये जो हार्ड है ये लिक्विड हो जाए, लिक्विड फॉर्म में आ जाए। तो उसके बाद ये हमने एक ढक्कन अगर डालना है ना इसका, तो दो ढक्कन हमने तेल के डालने हैं, जो देसी तेल है हमारा सरसों का। उसे क्या है, उसमें अच्छी तरह से मिक्स कर लेना, और जहाँ पर ये ज़ख्म है जानवर के किसी भी हिस्से पर जो ज़ख्म हो, हाँ ये वहाँ पे लगा सकते हैं, मुंह के अंदर नहीं लगा सकते ये, क्योंकि ये एक किस्म का कह लो कि जहर है, नुकसानदायक है, केमिकल है, तो ये जानवर को नुकसान पहुँचाएगा। कार्बोलिक एसिड ज़ख्मों के लिए बड़ा है, अच्छा और कारामद है। ये सिंपल इस्तेमाल नहीं करना, इसको हमेशा हमने तेल में डाल के मिक्स करके इस्तेमाल करना है, मिक्स करके रख लेना और दिन में 4 से 5 दफ़ा हमने ये ज़ख्म पर लगाना है। तो इसका तरीका इस्तेमाल सिंपल है, लेकिन हमने ये कोशिश करनी है कि जहाँ पे हम लगा रहे हैं वहाँ पे जानवर जब वो मुंह वगैरह नहीं लगाए, क्योंकि इसके सराज वो मुनासिब नहीं होते, नुकसानदायक होते हैं, जानवर में जहर फैलने का डर होता है, क्योंकि ये काफ़ी हार्ड किस्म का है। इसके अलावा जो स्प्रे आती है ज़ख्मों के लिए, हम वो भी इस्तेमाल करते हैं, लेकिन स्प्रे जो है वो महंगी होती है। तो उसके लिए स्प्रे जो है जो लोग नहीं इस्तेमाल कर सकते, ये उनके लिए तरीका अच्छा है, सस्ता है, मुनासिब है, कि अगर किसी गरीब फार्मर ने जानवर रखे हैं, कोई ज़ख्म आ गया, तो वो कार्बोलिक एसिड इस्तेमाल कर सकता है। और इसके अलावा दूसरा जो है वो है बोरिक एसिड, जैसे कि हम आपको ये दिखा सकते हैं, ये बोरिक एसिड है। बोरिक एसिड भी सिंपल है, इसकी इतनी महंगी प्राइस नहीं है जो हम कह सकें कि ये महंगा है, ये 35-40 रुपये का है। ये एक वाइट पाउडर की शेप में होता है बोरिक एसिड, ये जैसे कि हम दिखा सकते हैं, ये बोरिक एसिड है, ये वाइट फॉर्म में है, ये पैकिंग में आ गया है। तो इसको हम इस्तेमाल करने का तरीका सबसे पहले कौन सा है, बोरिक एसिड का मेन और बेहतरीन जो हल है, ये हम इस्तेमाल करते हैं जानवरों में आँखों की बीमारियों के लिए, कि किसी भी जानवर के, कोई बड़ा जानवर है, छोटा है, भेड़ बकरी, गाय, मुर्गी, कबूतर, कोई भी जानवर है ना, छोटा या बड़ा जानवर किसी किस्म का भी, उसके लिए हम ये बोरिक एसिड इस्तेमाल करते हैं, इसे कहते हैं बोरिक एसिड। तो हम क्या कहते हैं कि अगर ज़ख्म आँख में ज़ख्म है, आँख में मिट्टी चली गई है, या किसी चीज़ की वजह से आँख से पानी निकल रहा है, या वो मोतिया आ गया जिसे हम कहते हैं, या इसके अलावा कोई और चीज़ है, तो हम क्या कहते हैं कि बोरिक एसिड का इस्तेमाल करते हैं। इस्तेमाल करने के इसके मुख्तलिफ तरीके हैं। अगर तो पानी वगैरह निकल रहा है, वैसे कोई चोट लगी है, तो हमने क्या करना है कि बोरिक एसिड को पानी में मिक्स करके इसका डेली छिड़काव करना है। एक चुटकी थोड़े से पानी में ले लेनी है, डाल लेनी है दो चुटकी, तो उसको डेली हमने सुबह शाम बोरिक एसिड से धोना है आँख को अच्छे तरीके से, ताकि वो पानी वगैरह जो है, वो गीड़ वगैरह जो निकलती है, वो सारी ख़त्म हो जाए। तो उसके बाद अगर वो मोतिया वगैरह उतरा है, आँख ज़्यादा ख़राब है, आँख की जो वो गोली है वो आईब्रो सामने नज़र नहीं आती, तो हमने क्या करना है, वैसे ही एक चुटकी लेके उसकी आँख में वो डाल देनी है बोरिक एसिड की। इससे भी 2 से 4 दिन हमने ये अमल जारी रखना है, तो इससे जानवर ठीक हो जाता है। इसका मेन और बेहतरीन जो तरीकाकार है वो यही है कि बोरिक एसिड का जो मेन है ना, वो यही है कि आँख में मतलब किसी चीज़ का इन्फेक्शन हो, चोट लगी हो,
चोट लगी हो, इन्फेक्शन हो, किसी भी तरह का ज़ख्म हो, वो हम इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा हम बोरिक एसिड को और भी बहुत सी जगहों पे इस्तेमाल कर सकते हैं जानवरों में, जैसे कि अक्सर वो बकरियों में मुँह खुर, जिसे आम तौर पर हमारे वो किसान फार्मर कह देते हैं, वो मुँह ख़राब हो जाता है, ज़ख्म हो जाते हैं मुँह के अंदर, तो उसके लिए भी हम ये इस्तेमाल करते हैं। इसका मुंह में इस्तेमाल जो है वो तरीक़ेकार है, हम वैसलीन में इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं और सुबह शाम जो है वो हम इसका इस्तेमाल करते हैं, मुंह के अंदर लगाते हैं अच्छी तरह से, वो मुंह में जो छाले वगैरह होते हैं वो ये लगाने से ख़त्म हो जाते हैं बोरी के सिर से, ये वैसलीन के साथ हम ये मिक्स करके लगाते हैं। इसके अलावा कोई ज़ख्म वगैरह हो, ये एंटीसेप्टिक के तौर पर भी काम करता है बोरी के सिर। ज़ख्म वगैरह हो तो ज़ख्म अगर वो पानी वगैरह निकल रहा है, बार बार निकल रहा है, ज़ख्म ठीक नहीं होता, तो हम ये ऐसे ही बोरिक एसिड जो खुशक है ना, इसको उसके अंदर भर देंगे, या ज़ख्म बाहर है या अंदर है, तो इससे जो वो पानी सारा खुशक हो जाएगा। एंटीसेप्टिक के तौर पे भी काम करता है। आमतौर पर हमने देखा है कि ये डॉक्टर जो है वो दूध की कमी में या दूध वगैरह से बू आती हो तो भी इसको इस्तेमाल करवा देते हैं। इसके अलावा ये इंसानों में इसके बहुत से इस्तेमाल हैं, अक्सर YouTube पे देखने में मिलते हैं, लेकिन जानवरों में जो इस्तेमाल है हमने वो आपको बताए हैं। इसके अलावा और भी बहुत से तरीके हैं जो इस्तेमाल करते हैं बोरिक एसिड के। बोरिक एसिड को हम किसी वैसलीन के साथ या पानी में मिक्स करके ज़ख्म पर छिड़काव करके ज़ख्म का अच्छा ट्रीटमेंट कर सकते हैं। लेकिन हमारी फील्ड में जो मेन इस्तेमाल होता है ये जानवरों में आँखों के लिए इस्तेमाल होता है। आँखों के लिए ये बड़ी अच्छी चीज़ है और इसका बहुत अच्छे असरात जो हैं वो नज़र आते हैं जानवरों में। आँखों में ज़ख्म किसी किस्म का हो, कुछ भी हो, तो वो बोरिक एसिड इस्तेमाल करने से तरीक़ेकार से ठीक हो जाता है। इसकी मुख्तलिफ़ पैकिंग आती हैं, जैसे कि अब जो आप देख रहे हैं ये 20 ग्राम है, ऐसे ये खुला भी मिलता है, मतलब अलग अलग इसकी पैकिंग हैं, तो ये बड़ा ईजी है, ख़रीदना भी उतना मुश्किल भी नहीं है, महंगा भी नहीं है कि हम इसको ले नहीं सकें। इसके साथ ही हमें इजाज़त दें, हमारा चैनल सब्सक्राइब करें ताकि हम आपको ज़्यादा से ज़्यादा जानवरों के बारे में, मेडिसिन के बारे में मालूम दे सकें। अल्लाह हाफिज़।